मॉडल और एक्ट्रेस पूनम पांडे का 2 फरवरी के दिन निधन हो गया। पूनम पांडे सर्वाइकल कैंसर से जूझ रही थी, जिसके बाद कानपुर में उन्होंने अंतिम सांस ली। वो कानपुर गई थी अपना इलाज कराने और वहीं उन्होंने दम भी तोड़ दिया। 32 साल की पूनम पांडे अब इस दुनिया में नहीं रही हैं, जिसकी वजह से उनके फैंस काफ़ी ज़्यादा सदमे में हैं। ये पूरी इंडस्ट्री के लिए ही काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ है, क्योंकि इस तरह से किसी का चले जाना सभी को हिला कर रख देता है। पूनम पांडे की जिंदगी की बात करें तो वो विवादों से हमेशा घिरी रही हैं। उन्होंने अपने बयानों से सभी को काफ़ी ज़्यादा सोचने पर हर बार मजबूर किया है। पूनम पांडे की जिंदगी बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल रही है, तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन थी पूनम पांडे। पूनम पांडे कानपुर की रहने वाली थी और उन्होंने अपनी पढ़ाई भी कानपुर में ही पूरी की, जिसके बाद 18 साल की उम्र में उन्होंने मॉडलिंग में कदम रखा। मॉडलिंग में कदम रखना उनके लिए सही साबित हुआ, क्योंकि देखते ही देखते वो टॉप मॉडल में शुमार हो गई, जिसके बाद वो कैलेंडर गर्ल्स की मॉडल भी बनी। इसके बाद उनकी खूबसूरती देखने के बाद उन्हें एक अडल्ट फिल्म भी मिली। ये अडल्ट फिल्म बॉलीवुड की नशा थी। साल 2013 में उन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू नशा मूवी से किया। इसके बाद उन्होंने द जर्नी ऑफ कर्मा, मालिनी एंड कंपनी, लेकिन उन्हें वो सफलता नहीं मिल पाई जिसकी उम्मीद उन्होंने लगाई थी। नशा एडल्ट फिल्म थी, बावजूद इसके उन्हें कई फिल्मों में काम नहीं मिल पाया। इसके अलावा वो टीवी के रियलिटी शो में भी नजर आ चुकी हैं। रिसेंटली उन्हें कंगना रनौत के शो लॉकअप में भी देखा गया था। अगर बात पूनम पांडे की कॉन्ट्रोवर्सीज की करें तो इसमें सबसे बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी तो 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई है। पूनम पांडे तब सुर्खियों में आई जब उन्होंने साल 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने पर टीम इंडिया के लिए कपड़े उतारने का वादा किया था। इसके बाद तो हर कोई यही उम्मीद लगा के बैठा था कि कब टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीते और कब पूनम पांडे अपनी बात को सच कर दे। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया, लेकिन फिर बाद में एक्ट्रेस ने अपने मोबाइल ऐप पर एक वीडियो अपलोड किया जहां वो रात में वानखेड़े स्टेडियम में अपने कपड़े उतारती नजर आई थी। इसके अलावा उनकी जिंदगी से एक और विवाद जुड़ा हुआ है और ये विवाद उनकी शादी का है। पूनम पांडे ने 2020 में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड सैम बॉम्बे से शादी की थी, लेकिन शादी के 12 दिन बाद दोनों का रिश्ता टूट गया। पूनम ने अपने पति पर संगीन आरोप भी लगाए थे, जिसके बाद गोवा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। वहीं इस घटना के कुछ दिनों बाद ही दोनों का पैचअप भी हुआ, जिसके बाद पूनम पांडे को जमकर ट्रोल भी किया गया था। यानी कि बात साफ है, पूनम पांडे और विवाद दोनों का जन्मों जन्मों का रिश्ता था। लेकिन पूनम पांडे की 32 साल की उम्र में निधन हो जाना ये हम सभी के लिए काफ़ी शॉकिंग है। पूनम पांडे ने 32 साल की उम्र में काफ़ी नाम कमाया, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रही हैं, जो हम सभी के लिए काफ़ी दुखद है। तो ये थी पूनम पांडे की लाइफ स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए योर क्रिएटर्स को।